फ्रेंड्स, आप ये रूप शीट देख रहे हैं, कॉरुगेटेड फॉर्म में, वेव्स फॉर्म में, ये ऐसा क्यों है? ये सीधा क्यों नहीं है? फ्लैट क्यों नहीं है? इनफैक्ट अगर फ्लैट बनाएंगे तो हमारा बहुत सारा पैसा नहीं बचाएगा? चलो समझते हैं ऐसा क्यों। समझो कि ये आपके घर की दो दीवारें हैं। अभी इसके ऊपर हम ऐसे रूप शीट रखते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा वेट दे रहे हैं, ये बेंड हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, बुक रख के देख रहे हैं। भैया मैं तो टूट गया, बेंड हो गया, ऐसा चलेगा? ऑफकोर्स नॉट। अभी हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको कॉरुगेशन देते हैं, जिगजैग फॉर्म में। ये कॉरुगेटेड शीट, अभी इसके ऊपर हम वेट देके देखते हैं, ये लोड ले पाता है? थोड़ा लोड बढ़ा देते हैं, स्टील इट कैन टेक द लोड, थोड़ा सा और, ऑफकोर्स ये लोड ले पाता है। ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स? इसका रीजन है इसका डेप्थ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। ये दो स्केल्स हैं, एक स्केल को मैंने ऐसे पकड़ा है और एक को ऐसे। तो फ्रेंड्स, जब इसके ऊपर वेट आता है तो ये ऐसे बेंड होता है, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होता है। समझो कि ये डायमेंशन है 20 mm, ये डायमेंशन है 2 mm, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 1/12 इंटू 2³ इंटू 20। लेकिन अगर हम स्केल को ऐसे पकड़ते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 1/12 इंटू 20³ इंटू 2, तो यहाँ पे हो रहा है 2 × 2 = 4 × 2 = 8, यहाँ पे हो रहा है 20 × 20 = 400 × 20 = 8000। यानी कि इसमें और इसमें ऑलमोस्ट 1000 times स्ट्रेंथ का फर्क है। इसी के वजह से जब हमने कॉरुगेशन दिए तो ये डेप्थ बढ़ गया, तो इसका स्ट्रेंथ बहुत सारा बढ़ गया और इसके वजह से ये इतना सारा लोड ले पाया।